दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस मोहल्ला क्लिनिक को देश और दुनिया में बेस्ट हेल्थ मॉडल बताती है, उसी मोहल्ला क्लिनिकों से अब लापरवाही की शिकायतें आने लगी हैं। ऐसे ही एक मामले में शिकायत सही मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ड्यूटी पर देर से आ रहे मोहल्ला क्लिनिक में तैनात कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल कुछ मोहल्ला क्लिनिकों के डॉक्टर और कर्मचारी बायोमेट्रिक सिस्टम में छेड़छाड़ कर अपनी हाजिरी सुबह 8 बजे या उसके आसपास लगाकर सरकार को चकमा दे रहे थे। लोगों से मिली शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 7 मोहल्ला क्लिनिकों में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों की हाजिरी की जाँच कराई। जाँच में शिकायत को सही पाया गया, उसके बाद आरोपियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि डॉक्टरों और कर्मचारियों के ड्यूटी पर देर से आने से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान थे। मामले की जांच के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम में मिली गड़बड़ी के आधार पर इन डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ जगहों पे डॉक्टर्स देरी से मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर आते थे और जो अटेंडेंस सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारे यहाँ अटेंडेंस लगाने का, उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, उसमें गड़बड़ी करके अपनी अटेंडेंस सुबह 8 बजे या उसके आसपास लगा रहे थे। तो उसकी जांच के अंदर हमने करीब 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर इस तरीके की गड़बड़ियाँ पाई हैं। जो डॉक्टर्स थे उनको हमने मोहल्ला क्लिनिक के से हटा दिया है और उनको डीएम पैनल किया गया है। साथ साथ वहाँ पे जो फार्मासिस्ट थे, जो मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट थे और मल्टीटास्किंग वर्कर्स थे, इनको भी वहाँ से जो है डीएम पैनल किया गया है, यानी कि उनको वहाँ से जो है हटाया गया है। बता दें कि दिल्ली में करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक हैं। इन क्लिनिकों में हजारों लोगों को रोज़ मुफ्त इलाज दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट मुफ्त कराए जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के तय नियमों के मुताबिक डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को सुबह 8 बजे मोहल्ला क्लिनिक पहुंचना होता है। दोपहर 2 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक में मौजूद रहना अनिवार्य होता है।